Hello childrens, how are you? I hope you are fine. Today we are going to learn time is precious. आज हम time के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. आज हम पता लगाएंगे कि वक्त हमारे लिए कितना important होता है, कितना उसका महत्व है हमारे life में. So start. Time is one of the essence in human life. टाइम एक ऐसा चीज़ है इंसान की लाइफ में जो एक बार हाथ से गया तो फिर वो दोबारा नहीं आता. द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम इन लाइफ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस. द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम इन लाइफ is constantly moving towards progress. जो भी इंसान अगर टाइम को समझ गया तो वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहेगा, हमेशा ऊंचाई पे ही रहेगा, हमेशा प्रोग्रेस करेगा. उसे कभी भी नीचे नहीं, वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, हमेशा ऊंचाई की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि उसने टाइम का इम्पोर्टेंस समझा, उसने टाइम को वैल्यू किया. और जो इंसान टाइम की वैल्यू नहीं कर सकता वो इंसान कभी जीत नहीं सकता, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता. इसलिए आपको हमेशा टाइम का इम्पोर्टेंस करना है, टाइम को हमेशा इम्पोर्टेंस देना, उसकी वैल्यू करना है. एंड ऑन द अदर हैंड दोज पीपल हु डोंट वैल्यू टाइम वेस्ट टाइम, टाइम ऑल्सो वेस्ट देम. मैंने अभी आपको बताया जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, जो उन्हें बिना मतलब के ज़ाया करते हैं, मीन्स उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते. जैसे अगर उनको कोई काम आज करना है तो वो कहते कि नहीं आज नहीं, कभी और कर देंगे, तो टाइम चला गया. अगर टाइम की आपने वैल्यू नहीं की तो टाइम भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा. और अगर आज आपने टाइम की वैल्यू की होती तो टाइम भी आपकी वैल्यू करेगा. सो हमको क्या करना है, हमेशा टाइम की वैल्यू करनी है, उसको कभी वेस्ट नहीं करना है. द वैल्यू ऑफ टाइम इज मोर देन मनी बिकॉज इफ वी स्पेंड मनी वी कैन रीगेन इट अगेन. वैल्यू होती है टाइम की, जो महत्व है टाइम का, वक्त का, वो मनी से भी ज़्यादा है. क्योंकि पैसा तो हम फिर से कमा सकते हैं, अगर हमने पैसा एक बार गंवा चुका या गंवा दिया तो हम उसको फिर से कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और फिर से हम वो चीज़ कमा सकते हैं, हम फिर से पैसा कमा सकते हैं, मनी कमा सकते हैं. बट द टाइम वी लॉस्ट विल नॉट बी गिवन टू अस. बट एक बार हमने वक्त को गवा दिया तो वो दोबारा नहीं आता. क्योंकि पैसा हम अगर एक बार खर्च कर दिए बिना किसी वजह से भी, हमने फिर भी ऐसे ही पैसे को खर्च कर दिया तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बहुत सारी मेहनत करके हम फिर से पैसा कमा सकते हैं. बट एक बार हमने टाइम को वेस्ट किया, टाइम को गलत इसमें स्पेंड किया तो वो फिर से कभी रिटर्न नहीं होगा. कि हम चाहे कि अब वो वक्त दोबारा आ जाए जिसमें हमने गलत किया काम किया था, तो हम वो वक्त को फिर से लाके उसको सही कर ले, तो ऐसा नहीं होता. एक बार वक्त गया तो गया और दोबारा नहीं आता. सो हमको वक्त को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उसको भी कहाँ कैसे यूज़ करना है हमें वो सब पता होना चाहिए. हमको उस वक्त जो वक्त के लिए काम बना होता है वही वक्त पे करना चाहिए, कोई भी वक्त कोई भी काम नहीं करना चाहिए. सो वी नीड टू यूज़ आर टाइम वाइजली. जब जब हमारा जिस टाइम पे जो वक्त पे हमारा काम हमको करना चाहिए वो वही टाइम पे करिए. कोई भी मीन्स अभी मुझे खाना खाना है पर नहीं, मैं अभी होमवर्क कर रही हूँ, तो ये गलत है. अगर आपका खाना खाने का टाइम है तो आपको खाना ही खाना है, होमवर्क बाद में करना है. जब आपका होमवर्क करने का वक्त है और आप खेलने जा रहे हो तो ये गलत है, आपको फर्स्ट होमवर्क करना है फिर आपको खेलने जाना है. तो इसीलिए
टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, आपको कभी भी वक्त को ख़राब नहीं करना है। वक्त एक बार हाथ से गया तो दोबारा नहीं आता है। वक्त की कदर करिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो जब अच्छे वक्त हैं तो हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और उसको इन्जॉय करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, गलत जगह पे नहीं यूज़ करना चाहिए। हमेशा अच्छे कामों में अपना वक्त दें, बुरे कामों से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें और बुरा। तो इसीलिए टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, आपको कभी भी वक्त को ख़राब नहीं करना है। वक्त एक बार हाथ से गया तो दोबारा नहीं आता है। वक्त की कदर करिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो जब अच्छे वक्त हैं तो हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और उसको इन्जॉय करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, गलत जगह पे नहीं यूज़ करना चाहिए। हमेशा अच्छे कामों में अपना वक्त दें, बुरे कामों से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। इसलिए आपको अच्छे वक्त में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो आपको हमेशा टाइम की वैल्यू करना चाहिए, कदर करना चाहिए और उसे जिस वक्त के लिए जो चीज़ बनी है उसे उस टाइम यूज़ करना चाहिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।